लेकिन जी चार्ट हमने बनाया था, समझ में आ गया था चार्ट कैसे बनाते हैं। चलें हम मजीद आगे की तरफ चलते हैं। चार्ट पे हमने डेटा को दोबारा चेंज करना, चार्ट की टाइप को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बल्कि टाइप आपको बता रहे खाली, ठीक है। स्मार्ट आर्ट और चार्ट पर हमने काम कर लिया। मैं एक न्यू विंडो ले लेता हूँ, ठीक है। एड इन्स, बेसिकली इस वक्त मेरे पास नेट तो नहीं है, लेकिन एड इन्स की चीज़ें आपको बता देता हूँ। गेट एड इन्स या माई एड इन्स, जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक स्टोर ओपन हो जाएगा। उस स्टोर में से आप अगर कोई ऐप अपने साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, या उस ऐप को आप जो है वो अपनी डॉक्यूमेंट के साथ लाना चाहते हैं, तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हैं जी, एड इन्स जो है वो हम ले लेते हैं, ठीक है। गेट एड इन्स में जब हम जाएंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट जो है वो एप्लीकेशंस आ जाएंगी, डिफरेंट जो है वो वेब आ जाएंगी। डेटा आपका स्लो है, ये मुझे दे दो इधर। यहाँ से ऑल कैटेगरीज हम कर देंगे, ठीक है। बेस्ट एप्स ऑफ द ईयर, कम्युनिकेशन की एप्स हैं, डॉक्यूमेंट रिव्यूज़ हैं, ठीक है, एडिटर पिक्स हैं, वगैरह वगैरह। आप, मैं कहता हूँ कि यार एजुकेशन की कोई ऐप मैं इसके साथ अटैच कर लेता हूँ। हाँ, मैं तो करा रहा हूँ, आप लोगों के पास नहीं आएगा, क्योंकि ये तब आएगा जब आपके पास नेट कनेक्ट होगा, ठीक है। अब जैसे विकिपीडिया है वगैरह वगैरह है, ये मैथ टाइप है, अगर मैं इसको ऐड करा देता हूँ, यहाँ से मैं कोई और जो है वो एप्लीकेशन ले लेता हूँ। सेल्स एंड मार्केटिंग की मैं कोई एप्लीकेशन ले लेता हूँ। ऑफिस एट वर्क, इसको मैं अगर ऐड कर दूँ, देखें, आई एग्री टू ऑल अबव टर्म एंड कंडीशन, इसको ओके करके कनेक्ट कर दूंगा। तो अब आप यहाँ पर देखें, एड इन्स में जाएंगे, माई एड इन्स में जब जाएंगे तो आपको ये ऐड जो है वो जो ऐप हमने ऐड की थी वो आपको मिल जाएगी। ये माई ऐप में थी, ठीक है, माई एड इन्स में। अब मैं इसको यहाँ से डायरेक्टली जो है वो खोल भी सकता हूँ और ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पे आपके पास ये ऑफिस एट वर्क का टेम्पलेट्स जो है वो आपकी बार में ऐड हो गया होम के अंदर। आया समझ में? उसके बाद हमारे पास यहाँ पे विकिपीडिया ऑलरेडी उन्होंने ऐड किया हुआ है, और एडिंस में आपको बताया कैसे इन कर सकते हैं और कैसे रिमूव कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आपने कोई वीडियो इसमें ऐड करनी है तो इस तरीके से आप इंसर्ट वीडियो यूआरएल, आप उस वीडियो का लिंक यहाँ पर जो है वो इंसर्ट कर देंगे तो वो वीडियो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। अब वीडियो का लिंक हमें कैसे मिलेगा? YouTube में जब आप जाएंगे तो वहाँ से आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ये भी करके दिखा दूँ, करके दिखा दूँ। मिसाल के तौर पर आप YouTube खोलते हैं, चलें इस बहाने आपको अपना YouTube चैनल भी दिखा देता हूँ, मैं भी खुश हो जाऊँ ना। कहाँ चली गई चीज़ें? यार ये मोबाइल मेरे करीब दे दो, या तो दूर है शायद। ये देखें जी, मैं इसमें चला जा रहा हूँ अपने चैनल पे, ऐबत खान ऑफिशियल। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको ये वीडियोस मिलती रहें। वीडियोस भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें मोटिवेशनल्स भी हैं और आपके जो लेक्चर्स हैं वो भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक है। अब किसी भी वीडियो का जो लिंक आपने देखना है, लिंक कैसे देखना है, वीडियोस में जाएं आप,
मिसाल के तौर पर मैंने कोई वीडियो ओपन कर ली, यहाँ पे देखें थ्री डॉट्स आ रहे हैं, आप लिंक कॉपी कर सकते हैं, जो लिंक आप बनाएंगे कंट्रोल सी में कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, मैं आ गया दोबारा अपनी ऑफिस में। कहाँ था मैं, ऑनलाइन वीडियो, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया और इंसर्ट कर दिया, ठीक है। जाहिर तो नहीं हुआ ये कहीं, ये देखें मेरे पास वो वीडियो YouTube की डायरेक्टली यहाँ पेज पे आ गई है, ठीक है। अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो डायरेक्टली YouTube से इसको जो है वो प्ले कर देगा। आ रही हैं चीज़ें समझ में? थोड़ा सा नेट स्लो होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, आप खुद से करके देख लीजिएगा जहाँ पर आपका नेट तेज़ हो, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको हम दोबारा कर लेंगे। इस तरीके से हम अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर YouTube की या कोई भी वीडियो डायरेक्टली हम अपने पेज पर ले जाकर रख सकते हैं, ठीक है जी। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई मसला? मैं नेट डिस्कनेक्ट कर देता हूँ क्योंकि इससे थोड़ी सी सिस्टम की स्लो स्पीड भी स्लो हो जाती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ लिंक्स हैं, आज हम लिंक्स को भी क्लियर कर देते हैं, ठीक है। फिर आपको 5-10 मिनट दे देंगे प्रैक्टिस के लिए, बाकी जो चीज़ें हैं वो हम कल करेंगे क्योंकि आज का टाइम तकरीबन हमारा ख़त्म हो गया। मैं कोई चीज़ टाइप कर देता हूँ, बल्कि मैं वीडियो को डिलीट कर देता हूँ। मैंने लिखा इन्फो, ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद देखें इस तरफ लिंक पे गया, हाइपरलिंक, इसको हम कहते हैं हाइपरलिंक। यहाँ पर आपको एक तो चीज़ बता रहे हैं एग्जिस्टिंग फाइल आर वेब पेज, आप इसका कोई भी एड्रेस यहाँ से जिस पर आप क्लिक करेंगे उसका एड्रेस यहाँ पर लिंक में आ जाएगा। मैं एक ये अंडरटेकिंग की फ़ाइल जो है वो ले लेता हूँ, ठीक है, ओके कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखें मैं आ रहा हूँ तो आपको लिंक तो दिखा रहा है लेकिन लिंक शो नहीं कर रहा कि आप उस लिंक पर कैसे जाएंगे। तो आप जब कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे तो देखेंगे आपको लिंक दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, लिंक दिखा रहा है। अब जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो चीज़ ओपन हो जाएगी जिसका मैंने लिंक इसको दिया हुआ था, ठीक है। ये अंडरटेकिंग की अब आपके पास फाइल आ गई, इसमें कोई चीज़ टाइप नहीं है लेकिन ये फाइल ओपन हो गई है। मैं दोबारा अपनी फाइल में चला जाता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके इंटर कर देता हूँ, देखें ओके करता हूँ तो ये मेरे पास पेज दूसरी डॉक्यूमेंट ओपन कर दे रहा है, ठीक है। या अगर मैं इसके साथ एक चीज़ और कर लेता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ मैं इसका लिंक चेंज करूँ, दोबारा मैं लिंक पे जाऊँगा और इस लिंक को हटा दूँगा यहाँ से रिमूव लिंक करके, ठीक है, तो ये लिंक हट जाएगा। अगर मैं दूसरा लिंक देना चाहूँ तो दोबारा दूसरा लिंक दे सकता हूँ हाइपर लिंक की मदद से। डॉक्यूमेंट में है, मैं चला जाता हूँ डेस्कटॉप पे, और आप किसी भी फाइल को लिंक करा सकते हैं, वर्ड की ना हो कोई और भी हो तो हो जाएगा उसमें, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन की फ़ाइल को मैं लिंक करा देता हूँ और यहाँ से मैं कंट्रोल प्रेस करके क्लिक टू फॉलो लिंक ओके करूँगा तो देखें मेरे पास ये फाइल खुल गई रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली, डॉक्यूमेंट वन खुल गई। वो शायद हमने रूल्स एंड रेगुलेशन वाली को चेंज कर दिया था इसलिए ये आ रहा है। इसके बाद हमारे पास एक चीज़ है, इसको मैं बंद कर देता हूँ बिल्कुल डोंट सेव करके। ये हमारे पास एक फाइल थी, ठीक है, अब मैं लिंक्स में जाता हूँ। बुक मार्क एक अलग चीज़ होती है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है, अभी इसमें इंसर्ट डाली हुई नहीं है इसलिए। क्रॉस रेफरेंस में कर देता हूँ,
क्रॉस रेफरेंस में देखिए जो आपके पास डेटा लिखा हुआ आ रहा है वो आपके पास यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। आप चाहते हो मैं किसी भी रूल का जो है वो एक लिंक अपने इस पेज में रख दूँ, इंसर्ट कर दूँ, ठीक है। तो देखिए ये 10 नंबर यहाँ पर आ गया, मैंने इसको क्लोज कर दिया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा कंट्रोल के साथ तो मैं कहाँ चला गया, ये देखिए मेरा कर्सर 10 नंबर रूल पर आ गया। कहाँ पर आ गया? 10 नंबर रूल पर आ गया। इसी तरीके से बेसिकली लिंक्स जो बनते हैं वो इसके लिए सेक्शंस बनाने पड़ते हैं, उन सेक्शंस को फिर हम लिंक कराते हैं। ये तो एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर रहते हुए अगर आप एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्ट जाना चाहते हैं, जैसे मैंने 10 नंबर रूल एक लिख दिया और मैं इस पर जाता हूँ तो डायरेक्ट ये 10 नंबर रूल पर मेरा कर्सर चला जाता है। इस तरीके से क्रॉस रेफरेंस के ज़रिए मैं जा सकता हूँ, लेकिन बाकी इसके सेक्शंस बनाने पड़ते हैं। अगर कोई बहुत बड़ी फाइल है तो उसमें अलग अलग सेक्शन बना के हम उनको सेक्शंस को एक दूसरे के साथ लिंक कर देते हैं, फिर उसके लिए हम डैशबोर्ड भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे एक साहब हैं, इन्होंने किया हुआ था, लेकिन वो चीज़ें एक्सेल में ज़्यादा हैं, एक्सेल में थोड़ा और मज़ीद चीज़ें बढ़ कर आएंगी। तो यहाँ तक समझ में आया? ये क्रॉस रेफरेंस पे आप जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको सारा डेटा आ जाएगा जो भी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है ना। तो यहाँ से आप जैसे ये 11 नंबर रूल है, मैंने इस पर क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया। अब ये तो यहीं इसी पेज में मैं खड़ा हूँ, इसी पेज में आ गया। सबसे पहले पेज मैंने उसी पे जाना पड़ेगा जिस पेज पे मैं इसको लिंक डालना चाहता हूँ ना। मैं आ गया पहले ही पेज पे, यहाँ पे आ गया मैं और मैंने क्रॉस रेफरेंस ले लिया। क्रॉस रेफरेंस लेने के बाद मैं लास्ट रूल पे चला जाता हूँ, 14 नंबर इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे 14 नंबर आ गया, वही कंट्रोल क्लिक, तो देखिए 14 नंबर रूल पे आपके पास ये आपका कर्सर कंट्रोल के साथ क्लिक, ठीक है जी। बाकी आपके पास जो चीज़ें रह गई हैं वो कमेंट्स है, इसको हम चलो कल कर लेंगे। हेडर फुटर हैं, पेज नंबर हैं, ये इंशाल्लाह हम कल इसको जो है वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद डिज़ाइन की कुछ चीज़ें हैं, इसको भी हम कल कंप्लीट कर देंगे। और बाकी ये जो लेआउट है इसमें तकरीबन चीज़ें आपने पढ़ी हैं, मैंने आपको प्रिंट के फंक्शन में चीज़ें पढ़ा दी थी, ठीक है। रेफरेंस वगैरह ये सारी एडवांस की चीज़ें हैं, ये आपको अभी समझ में भी नहीं आएंगी इतनी जल्दी, तो ये कल हमारा ऑफिस जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी।